साइंस चाहे कितना भी तरक्की कर रहा हो, पर हम इंसान रिश्तों के मामले में अब तक के सबसे हारे हुए जनरेशन हैं। हम एक मायावी सक्सेस के पीछे भागने में इतने बिजी हैं कि जिन रिश्तों की हथेलियों पर हम पले, जिसकी उंगली पकड़कर हमने खुद को संभालना सीखा, जिसकी मुस्कान से हमने हंसना सीखा और जिसकी उदासी से हमने सहारा देना सीखा, भागने की होड़ में हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। काश काश कि हम वक्त को रोक पाते एक पल के लिए, और उस एक पल में हम बयां कर पाते सारी भावनाएं और सारा प्यार। काश हम बता पाते कि हमारे रगों में वो बसते हैं, हमारी हर धड़कन उनके ख्यालों में धड़कती है। काश पता नहीं ये गति कब थमेगी या धीमी होगी, जब हम अपने रिश्तों से बता पाएंगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं और वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। और ये सारी भागदौड़ उन्हीं के लिए है। बस उस पल का इंतज़ार है जब हम उनसे ये सब बता पाएं। हाँ हेलो दीपक, कहाँ है? आना मेरे घर पे। यार आज राखी है ना, घर से राखी आई है। हाँ तू मेरा राखी बांध देना, मैं तेरा बांध दूंगा। ठीक है चल, वेट कर रहा हूँ। आ जाओ, कौन है? दरवाजा खुला ही है, आ जाओ अंदर। कल तुम्हें मुंबई घुमाता हूँ बहना। नहीं भैया, कॉलेज के एग्जाम्स हैं, कल सुबह ही निकलना है मुझे, ट्रेन है मेरी।
अब क्या ही बोलूं भैया, अगर एग्जाम्स अच्छे जाएंगे तभी तो प्लेसमेंट होगा, और अगर प्लेसमेंट हो गया तभी तो लाइफ सही हो जाएगा शायद ही, क्योंकि बचपन में तो कहा जाता था कि बस क्लास 10 तक ही पढ़ना है, उसके बाद कहा गया कि बस 2 साल और, अब कॉलेज, अब अगर कॉलेज में नहीं पढ़े ना तो अभी तक का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं ये लाइफ आसान है वाला प्रोपेगेंडा आया कहाँ से। ये जिंदगी ना चूहे के बिल में छुपे सांप की तरह है, हमेशा फन मारने के लिए तैयार बैठी रहती है। अब तो फैमिली से भी मिलना पंचवर्षीय योजना की तरह हो गया है। इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे जेनरेशन की स्पीड की गलती है। हम ना रिश्तों के मामले में सबसे हारे हुए जनरेशन है, अब तो रेस में जीतना ही सब कुछ है। अगर थोड़े से भी धीरे हुए ना तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सोचती है, थोड़ा चिल किया कर। अच्छा ये बता कि ये सडनली आने का प्लान कैसे बना है? मैं बहुत दिन से मिस कर रही थी आपको, तो सोचा कि उन्हें इस बार मिल लूँ। मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास मेरी बहना है। मैं भी बहुत लकी भैया, आना तो मुझे चाहिए था मगर आई तुम। पॉकेट मनी तो सेव करके ही आई होगी। क्या फर्क पड़ता है भैया, अब पिछले 5 साल से आप राखी पे थे नहीं, अब किसी ना किसी को तो आना था, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊँ। कितने सक्रीफाइसेस करती आई हो तुम, आज की बात हो या पहले की। तुम्हें याद है कि तुम अपने हिस्से की मिठाई मुझे दे दिया करती थी, क्योंकि तुम्हें पता था कि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद है, और किसी से मेरे लिए लड़ जाती थी, और मेरे चेहरे के उदासी को देखकर समझ जाना कि मैं नाराज़ हूँ, और मुझे मनाने के लिए तुम क्या क्या करती थी। आप भी तो मेरे सामने आ जाते थे जब माँ मारने आती थी, तो मैं तुम्हें गोद में लेकर पूरे गांव घूमता था, और तुम जैसे रोती थी मैं दौड़कर तुम्हारे पास आता था, और तुम्हें चुप कराने के नए नए तरीके खोजता था। तुम जब छोटी थी ना तो बहुत प्यारी थी, और आज भी हो, लेकिन सब कुछ कितना बदल गया। तुम सही कहती हो कि रिश्तों के मामले में हम सबसे हारे हुए जनरेशन हैं। सर तुम्हें पता है जब तुम छोटी थी ना तो मेरे गोद में, तुम्हें नींद आ रही है तो चलो सो जाओ, कल तुम्हारी ट्रेन भी है, चलो। हाँ हेलो, हाँ बहना ट्रेन कहाँ तक पहुँची तुम्हारी? हाँ हाँ स्टेशन के बगल में ही घर है, तो पहुँच ही जाऊँगा अभी तक ना। और सुनो, तुम्हारे बैग में बिस्किट और पानी रख दिया है? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, और सुनो पहुँच कर कॉल करना। चलो बाय, टेक केयर।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ये वीडियो हमने अपनी बहनों के लिए डेडिकेट किया है, तो आप भी इस वीडियो को अपने भाई अपने बहन के साथ शेयर कीजिए, उन्हें डेडिकेट कीजिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करें, शेयर करें। शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, हमने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है आपके लिए। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कीजिए।